सबसे पहले तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जियो कॉल फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं। जियो कॉल फॉरवर्ड करने का मतलब होता है, जैसे कि मैं यदि अपने नंबर की जियो कॉल फॉरवर्ड किसी दूसरे नंबर पर कर देता हूं, तो यदि आप मुझे कॉल करेंगे तो जिस नंबर पर मैंने फॉरवर्ड की है आपका, जो मुझे आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल मुझे ना लग कर जिसका नंबर मैं वहाँ पर यूज करूँगा उसके पास चली जाएगी, यानी कि उसके पास कॉल लग जाएगी, यानी कि कॉल एक तरह से फॉरवर्ड हो जाती है। तो आपको फॉरवर्ड करनी कैसी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपना जो डायलर पैड होता है उसे यहाँ पर आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको डायल करना है *401*। यहाँ पर आपको उस नंबर को ऐड करना है जिस पर आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो चलिए उस नंबर को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस तरह से हमें ऐड करना है। एक बार हमें नंबर को कंफर्म कर लेना है, इसके बाद हमें इसे डायल कर देना है। अब आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग इज नाउ एक्टिव ऑन योर नंबर। देखिए यहाँ पर हमारी जो कॉल है वह फॉरवर्ड हो चुकी है। अब इसे हमें डीएक्टिवेट कैसे करना है, यानी कि अभी सक्रिय हो चुकी है, निष्क्रिय कैसे करना है, तो चलिए यहाँ पर उसे भी मैं बता देता हूँ। उसका भी एक नंबर है, वहाँ पर हमें *402 यहाँ पर हमें डायल करना होगा, तो यह निष्क्रिय हो जाती। चलिए हम इसे डायल कर देते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके नंबर के लिए बिना शर्त कॉल फॉरवर्डिंग निष्क्रिय कर दिया गया है। अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड ऑन योर नंबर। देखिए इस तरह से ये जो कॉल फॉरवर्ड थी वह यहाँ पर निष्क्रिय हो चुकी है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से हम कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम इसे आसानी से ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी नंबर स्विच ऑफ होता है यानी कि बंद होता है, उस पर हम आसानी से ही कॉल को फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम आसानी से हमारा जो भी काम है उसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो साइड में बेल है उसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए।